बिहार के हाजीपुर में रहने वाले अनाथ गोलू को माता पिता मिल गए। अनाथ गोलू इटली चला गया। दरअसल गोलू को इटली के एक दंपति ने गोद लिया है, जिसके बाद गोलू अपने नए माता पिता के साथ इटली रवाना हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाजीपुर के दत्तक संग्रह केंद्र में पिछले 2 सालों से रह रहे गोलू को माता पिता मिल गए। हम आपको बता दें कि गोलू हमारा दिया हुआ काल्पनिक नाम है, जिसे इटली के डॉक्टर दंपति ने गोद लेने का आवेदन दिया था। 3 साल की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा इजाजत मिलने के बाद आखिर इटली के इस दंपति को भारतीय बच्चे के गोद लेने की मंजूरी मिल गई। कल देर शाम इटली का ये दंपति हाजीपुर पहुंचा, जहां इटालियन दंपति द्वारा फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद गोलू अपने नए माता पिता की गोद में खिलखिलाता दिखा। इटली से बिहार बच्चे को गोद लेने पहुंचे दंपति ने बताया कि उनके बच्चे नहीं हैं, वे भारतीय संस्कृति और संस्कारों से बेहद प्रभावित हैं, इसीलिए भारतीय बच्चे को गोद लेना चाहते थे। We appreciate the activity that the place take for the baby, because we are pretty appreciate the love that they prepare for him, and we really would like try to love as soon as possible as they do, like in the 3 years of the first years of the month. So, no, the name of the baby. पहले इटली एजेंसी में नाम को रजिस्टर वगैरह करवाएं, फिर वहाँ से इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करने का इच्छा वो लोग अपने किए थे। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होता है इंडिया गवर्नमेंट का, वो लोग सब फॉलोज किए, जितना भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन था वो फॉलो किए। उसके बाद एज पर द रेगुलेशन वो लोग को ये बच्चा ये संस्था से मिला। अब वो लोग फिर अभी जब पूरा पेपर वर्क लीगलाइज हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आए और ये बच्चे को अब कस्टडी में लेने के लिए आए, और फिर कस्टडी में लेकर वीजा वगैरह कंप्लीट करके वो लोग वापस इटली चले गए। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।